हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा बैडमिंटन खेलने जाती हूँ, क्योंकि पहले भी मैं जाती थी बट बैंगलोर वगैरह जब से गई तब से पूरा रूटीन हिल चुका है अच्छे से। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह, नींद खुल तो नहीं रही थी बट बहुत मुश्किल से उठी अभी। बाकी आपको दिखाऊंगी अभी कैसा है सब कुछ वहाँ पे। और आज मुझे थोड़ा जल्दी भी लॉगिन करना था और मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी फ़िलहाल। एंड तो ऐसा नहीं है, कभी ऑफिस जा भी सकते हैं और घर से भी कर सकते हैं, दोनों चॉइसेस हैं। तो आज मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ अभी, तो ठीक है। सो फाइनली मैं निकल गई हूँ और दिखाऊंगी मैं आपको कैसा है बैडमिंटन कोर्ट वगैरह सब। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती हूँ, ऐसे खाली रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। देखो कौन मिल गया मुझे सुबह सुबह। ऐसे मैं बैडमिंटन खेलने जा रही थी। क्या? बैडमिंटन के लिए जा रही हूँ। कहाँ से आ रहा है? अच्छा सुबह सुबह उठ गया। अच्छा तो रोज उठता है, कुछ नहीं होता है रोज। हेलो कैसे हो? सो मैंने मेरा बैडमिंटन खेल के हो गया है एंड अभी भी ये लोग खेल रहे हैं। बाय बाय। हाँ कल तो आज मुझे थोड़ा जल्दी लॉग इन करना है तो मैं निकल गई यहाँ से और अभी जाके फ्रेश फ्रेश होके नहाना धोना करके खाना वाना खा के एकदम बैठना है काम पे। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स की शॉप भी है जिसका नाम है गुलिया स्पोर्ट्स। तो ये डीवाई पाटिल रोड में है। अगर आप लोगों को कुछ भी स्पोर्ट्स का आइटम लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप नियर बाई हैं तो। चलो लेट्स गो। तो मैं घर पे आ गई हूँ और मैं सीधा नहाने जा रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे ऑयलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि दीदी के यहाँ पे जब बेंगलोर में थी अर्जेंसी में हेयर वॉश हो जा रहा था कि कुछ कर नहीं पा रही थी ऑयलिंग वगैरह। तो मैंने सोचा आज ऑयलिंग करके ही मैं हेयर वॉश करूँ अपने और तब तक कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर तो रखना पड़ेगा ऑयलिंग किया तो कुछ 1-2 आवर्स। तो पहले खाना वाना बना लेती हूँ। तो मेरा खाना ऑलमोस्ट बन गया है, जैसे कि आपने देखा रोटियां बन चुकी है, सब्जी बन रही है अभी भी
पहले मैं उसको सिर्फ नमक डाल के बनाती हूँ ताकि यू नो आलू कच्चे रह जाते, जल्दी पकते हैं उससे, मेरा ये मानना, पता नहीं। और फिर उसके बाद मैं मसाले ऐड करती हूँ, तो मैंने मसाले वगैरह डाल के थोड़ा सा और पकाने के लिए रख दिया है। और सब्जी मैं वैसे थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि दो टाइम काम आ जाए मेरे, और रात को खा लूँगी, अगर बाहर कुछ खा लिया या रात को कुछ और बना लिया तो कल सुबह नाश्ते में खा लूँगी तो सही रहता है। तो अभी मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो मैंने नहा के पूजा कर ली है और लॉगिन भी कर लिया, अभी जल्दी से खाना खाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और मैंने सोचा कि रोटी सब्जी के साथ थोड़ा सा रायता भी बना लूँ, रायता मतलब वो प्याज टमाटर को दही में डाल के नमक के साथ, बट मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने चॉपिंग भी कर ली थी रायता बनाने के लिए, बट फिर दही निकाल के देखा तो ये अच्छे से जमी नहीं है अभी, तो जाने दो अभी इसको, ऐसा सैलेड ही खाना। तो खाना तो मेरा उस टाइम पे हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा ऑफिस का काम किया एंड अभी मेरी मेड आ गई है तो वो घर का काम कर रही है। तो फाइनली मेरा ऑफिस का काम हो गया है, मैंने लॉग आउट कर लिया और अभी मैं केक लेने के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, हमारी एक ऑफिस की फ्रेंड है, उसका कल बर्थडे है जो हम आज रात को सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसके लिए अभी केक लेने के लिए जा रही हूँ एंड फिर हम उसके घर जाके सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ बर्थडे में जाने के लिए, केक मैंने ले लिया था और अभी मैं निकल रही हूँ और आज मैं आपको अपने और बाकी सारे दोस्तों से मिलूंगी। यहाँ पे पहुँच गई हूँ और देखो कितना सही डेकोरेशन किया हुआ इन लोगों ने। ये है श्वेता, ये है मेरा पहाड़ी भाई अजय। हेलो गाइस, इसको छोड़ो, इसको तो हर कोई जानता है। धीरज, ये हमारे किसान आदमी वैष्णवी पूजा। तो ये है मेरे सारे दोस्त और बर्थडे गर्ल अभी रेडी हो रही है तो उससे मिलाते हैं हम थोड़ी देर में। हैप्पी बर्थडे सुप्रिया, हैप्पी बर्थडे। Hold me close till I get up. Time is barely on our. ये देखो दो बहनों का प्यार, एक्चुअली ये दोनों बहनें भी हैं। मामा क्या है तुम्हारा रिलेशन? मामा ये लोग लंगर के लिए बैठ गए यहाँ पे, लंगर लगने वाला है। बड़े बड़े लोग दिवाली दिवाली की शॉपिंग में लेते हैं आईफोन 14 प्रो। वाओ बहुत सही। ये डायनेमिक आइलैंड है ना, तो इसमें कॉल्स आते हैं तो इसमें दिखता है डायनेमिक आइलैंड में और सारे नोटिफिकेशंस। इधर आके दिखा, यहाँ पे आके दिखा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इनके दोनों किडनियों की तरफ, चीरे पड़े हैं, चीरे पड़े हुए हैं। अरे वाह, अभी बता स्टिचेस कैसे दे रहे? दोनों जगह के आगे पड़े निकलवाने के पैसे पैसे नहीं बचे। नकली पहाड़ी है ना,
यस, क्योंकि पिथौरागढ़ का होते हुए भी बरेली में रहा है, यस, तो ये नकली पहाड़ी है। तो मैं घर आ गई हूँ और बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी रही, हमें सुप्रिया ने ट्रीट में बिरयानी भी खिलाई। और तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, दैट इज स्वाति की डिजिटल डायरीज। थैंक यू, बाय बाय।